यहाँ एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी लियो है, 2 बड़े चम्मच, और यहाँ पे 1/2 कप मैंने गेहूं को दरदरा आटा लियो है। अपन को रवा नहीं लेवे को है। जब भी अपने यहाँ रीत की सामग्री में गुंजा लिखे हो तभी अपन को रवा के कभी भी सिद्ध नहीं करने हैं। रवा के गुंजा बदकी में धर सको, एक्स्ट्रा में मतलब धर सको, लेकिन जब भी रीत अनुसार मतलब जैसे नवविलास में गुंजा आ रहे हैं या अंकुट में गुंजा आ रहे हैं, दिवाली के गुंजा, तो वो सब में अपन को गेहूं को दरदरा आटा लेके ही स्टफिंग बनाना है। रवा को स्टफिंग नहीं बनाना है, वो अपने यहाँ को प्रकार नहीं है। आप चाहो तो अदकी में धर सको। अब याको अपन स्लो फ्लेम पर भूनेंगे जब तक याको अच्छे से सुगंध आवे और थोड़ा सो लाल हो जावे, तब तक याको अपन को भूनवे को है और चलाते रहवे को है। यहाँ अपनो स्टफिंग भून के अच्छे से तैयार हो गया है। अब अपन गैस बंद कर दे देंगे और अब याकू ठंडो करवे के लिए रखेंगे, और ठंडो करके फिर अपन यहाँ में इलायची और बूरा मिला देंगे, और तब तक अपन या के ऊपर के लेयर को गेहूं को आटा लगा लेंगे। अपन यहाँ मैंने 1/2 कप सादो गेहूं को आटा जो अपन रोटी बनावे में वापरे हैं वो मैंने लियो है। या के बजाय आप मैदा भी ले सको हो, जनरली मैदा में से ही बना है सब, लेकिन मैं यहाँ गेहूं को आटा या लिए ले रहे हूँ क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि मैदा को उपयोग कम से कम हो गए या लिए, तो गेहूं को आटा मैंने लियो है। और यहाँ मैंने घी गरम कर लिया, और घी 2 टेबलस्पून है तो वो मैं यहाँ में पदरा दे रहा हूँ, और अच्छे से याको मिला के मैं जल से याको आटा गूंथूंगा। घी को मैं यहाँ में मैंने मिला दिया है, अब जल से मैं याको आटा गूंथ लूंगा। अंदाज से पराठे जैसो आटा अपन को लगावे को है, बहुत सख्त भी नहीं और बहुत नरम भी नहीं। यहाँ पर मैंने आटा अच्छे से लगा लियो है, पराठे जैसा आटा लगाया है। अब याकी मैं मीडियम साइज की पूरी बेल लूंगा। ये स्टफिंग में मैं इलायची पाउडर बदरा रहा हूँ, और अब या मैं बुरू अपन मिलावेंगे, पीसी भाई चीनी भी चल सके। अंदाज से 1/2 कप अपनो गेहूं को आटा है तो लगभग उतनो ही यासु 1/2 कप से थोड़ो कम अपन को पीसी भाई चीनी लेवे की अपन को, क्योंकि ऊपर को जो लेयर रहेगा वो भी पीको ही रहेगा, हमें और कोई अपन चाशनी नहीं चढ़ावे। यासु चीनी को जो मेजरमेंट है वो थोड़ो ज़्यादा लेवे को, तो ये मैंने चीनी पीसी भाई बदरा दिया। अब याको अच्छे से मिला लेवेंगे। यहाँ मैंने घी गरम करवे के लिए रखे है, और ये मैंने पूरी बेल ली है या की। अब यहाँ में अपन स्टफिंग भरेंगे। यहाँ मैंने स्टफिंग अंदर भर लियो है चम्मच से। अब याको हाथ से थोड़ा दबा देवे को। अब यहाँ जल वाली उंगली अपन को कर लेवे की। जल वाली उंगली कर लेवे से ये खुलवे को डर नहीं रहेगा। अब याको अपन सामने सामने चिपका दे देंगे। अच्छे से ये दबा देवे को, बिल्कुल भी कहीं से भी खुलो नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ से अपन याको गूंथने को शुरू करेंगे। आपको गूंथनो नहीं आते हो तो अभी तो मोल्ड भी बाजार में मिले हैं, मोल्ड से भी आप कर सको हो, लेकिन गूंथनो बहुत सरल है, एक बार आ जाएगा तो बहुत जल्दी से हो जाएगा आपको। यहाँ तरह से अपन ने गुंजा गूंथ लिए हैं। अब अपन या में सुई सु 2-3 छेद कर लेवेंगे तो तलवे के टाइम खुलेगा नहीं, थोड़े रैंडमली कहीं भी छेद कर लेवे के या में। अब अपनो घी गरम हो गया है तो अपन या में ये फ्राई करवे के लिए पदरा देवेंगे। मैंने यहाँ और भी तैयार करके रखे गुंजा, वहां में भी मैं छेद कर लू हूँ और तलवे के लिए पदरा दू हूँ। मैंने यहाँ पे गुंजा के तल के बाहर पदरा लिया है। अब याको अपन भोग में साजेंगे।